हेलो माय डियर चैलेंजर्स, मैं आपका साइंस फैकल्टी प्रवीण कुमार हाजिर हूं आपके सामने फिर से। तो आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे जानते ही होंगे और बाकी लोग भी जान जाएंगे धीरे धीरे। जो नए हैं उनको भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस फैकल्टी और मैंने अपना बीटेक IIITDM जबलपुर से और एमटेक NIT जालंधर से कंप्लीट किया हुआ है भैया। दोनों प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो उस चीज का फायदा आपको होने वाला है, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे थे अभी तक वो कर रहे थे फिजिक्स की। हमारे साथ वैसे तो बहुत सारी चीजें चल रही है, मैथमेटिक्स भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है। साइंस में अपन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में भी हमने एक लेक्चर लिया है ह्यूमन आई। तो देखो क्या क्या पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले फिजिक्स में बता देते हैं, लाइट, ह्यूमन आईज, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दीज विल बी अवर टॉपिक्स इन द फिजिक्स। इनमें से हमने लाइट को कंप्लीट कर लिया है भैया। तो जाओ सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में और लाइट की प्लेलिस्ट को देखो, जो अपना साइंस का है ना कोर्स उसकी प्लेलिस्ट में देखो, लाइट का पूरा चैप्टर आपको मिलेगा जिसमें बहुत मजे से हमने डिस्कस किया है और मजा तो आगे भी आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम बात करें ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड की। तो ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। मतलब आंखों के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं भाई। आंखों की वर्किंग की बात कर ली अपन ने पहले लेक्चर में, उसके बाद हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि आंखों के अंदर किस प्रकार के डिफेक्ट्स आ सकते हैं और ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं ना अपन, इस पे भी लिख लो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, पक्की बात है। मैंने बोल दिया, गारंटी दे दी आपको, यूं मान लो। अब देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चन को आप किस प्रकार आंसर करोगे, वो भी आज के आज ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा अपना डिफेक्ट्स का। तो भैया आते हैं अपन हमारे नॉर्मल सिस्टम पर कि नॉर्मली हम काम कैसे करते हैं, नॉर्मली जो है हमारा जो विजन होता है वो कैसे काम करता है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज है जो हमें समझनी है, वो है प्रसिस्टेंट ऑफ विजन, प्रसिस्टेंस ऑफ विजन, जो क्या है बहुत सारे लोगों को दिक्कत करती है। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि प्रसिस्टेंस क्या होती है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा और कुछ लोगों का डाउट ये रहता है हमेशा है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। हमने आपसे बात करी थी या नाइन्थ में आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा। साउंड चैप्टर में जब आप इको वाला टर्म पढ़ते हो ना, इको, इको मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी प्रतिध्वनि। अब इको कब सुनते हो आप, क्लियर कब सुनते हो, जब आपका साउंड गया, टकराया और वापस आया, ठीक है, और वापस आने में फिर वो आपके कान में वापस चला गया। एक बार तो आपने बोला तब कान में गया वो, और एक बार टकरा के वापस आया तब कान में गया, दो दो बार आपने सुना। अब वो दो बार आपको क्लियर तब सुनाई देगा जब आपके कान के अंदर पहले जो साउंड था वो बाहर निकल गया हो। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, पहले से हमारे कान में साउंड था। मैंने कहा बिल्कुल था भैया। हमारा कान जो होता है वो क्या करता है, 1/10, कितना, 1/10 यानी 1/10 सेकंड तक कोई भी साउंड अपने कान के अंदर रखता है, अपने अंदर रखता है। मतलब एक बार किसी ने कोई शब्द बोला तो वो उसके कान के अंदर फिक्स हो गया। अब अगर इस टाइम के दौरान, मतलब अगर 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड खुच है, 0.1 सेकंड, अगर इसके अंदर में, इसके अंदर अंदर अगर कोई दूसरा साउंड आपके कान में जाएगा तो वो उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएगा, उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएगा। यानी कि उसको टकरा के आने में 0.1 सेकंड लेना चाहिए, तब जाकर हम उसको आने वाले साउंड को क्लियर सुन पाएंगे। बिल्कुल सही। वैसे आंखों का सिस्टम है, आंखें क्या होती है, आप अगर एक बुक देख रहे हो, बुक में मतलब जैसे देखते हैं ना हम मम्मी पापा की शादी की, वो देखते हैं एल्बम देखते हैं। अब पहले तो छोटी छोटी एल्बम होती थी, अभी आजकल तो बिल्कुल 3D एल्बम, फलाना एल्बम, ठिकाना एल्बम, मतलब बहुत सारी एल्बम चल गई है नई नई प्रकार की, और इतनी बड़ी बड़ी एल्बम होती है। उसको फिर ऐसा पलट पलट के देखो भैया, पापा जी की शकल देखो, मम्मी की शकल देखो, चाचा बुआ ताई सब दिखते हैं उसमें, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, पहले छोटी सी एल्बम होती थी, अब वो छोटी सी एल्बम को अगर आप 1 सेकंड में 16 पन्ने पलट देते हो, मेरी बात सुनना, 1 सेकंड में अगर आप 16 पन्ने पलटते हो, 1 सेकंड में 16 भाई, 1 सेकंड में आप 17 पलट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी 16 या 16 से कम पन्ने अगर आप 1 सेकंड में पलट देते हो, यानी कि एक पन्ने को कितना टाइम मिला, 1/16 सेकंड मिला। इतना टाइम अगर एक पन्ने को, यानी एक फोटो को मिलेगा, तो आप देख पाओगे कि उस फोटो में क्या है।
अगर आप इससे जल्दी चल गए नहीं, एक सेकंड में 20 पन्ने पलट दिए ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा उनमें फोटो किसकी थी, चाचा थे या ताऊजी थे या फिर कौन बुआ ताई कुछ थे। चाचा को तो बुआ बता दोगे, बुआ को चाचा बता दोगे, ये वाला सीन हो जाएगा। यानी कि अपनी आंखों का एक सिस्टम है जिसमें वो देखता है, जिसको बोलते हैं प्रसिस्टेंस ऑफ विजन। क्लियर है बात? और वो प्रसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो आंखें होती है उन आंखों का क्या होता है कि द फिनोमिना ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज। एक इमेज का जो इंप्रेशन होता है, एक इमेज का जो इंप्रेशन होता है जो हमने देखी है, वो इंप्रेशन कितने टाइम के लिए होता है? वो इंप्रेशन होता है 1/16 सेकंड तक। यानी कि हमारी आंख के अंदर अगर 1/16 सेकंड एक इमेज को मिल रहा है, 1/16 सेकंड ही मिलेगा ना, जब आप 1 मिनट 1 सेकंड में 16 इमेजेस देखोगे तो 1/16 सेकंड मिलेगा। यानी मिल रहा है तो आप उसको क्लियरली बता सकते हो कि इसके अंदर तो चाचा थे और दूसरे फोटो के अंदर बुआ थी, तीसरे फोटो के अंदर ताऊजी थे। अदरवाइज अगर इससे कम हो गया, मतलब अगर आपने एक पिक्चर को 1/16 से 1/17 सेकंड, कम का मतलब होगा नीचे वाला पार्ट बढ़ जाएगा तो वो कम हो जाएगा टोटल। कम क्या हो जाएगा भैया, यहां पर देख लो 1/18। यानी कि अगर 1 सेकंड में 18 इमेजेस भी आपने पास करा दी तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो एक साथ कंटिन्यूएशन में देखने लग जाएगा। और जो ये सिनेमेटोग्राफी है ना, आपको देखा होगा बहुत सारी इमेजेस को अगर एक के बाद एक चलाते रहते हैं तो अपने को लगता है कि अरे, जैसे आपने वो बुक देखी होगी फुटबॉल वाली, उसमें फुटबॉल का पूरा गेम खिला देते हैं वो पिक्चर्स हैं, उसको ऐसे पन्नों को ऐसे डालते हैं करके, जिससे वो लगता है कि वो चल रहा है, एकदम वीडियो टाइप चल रहा है, बट वो क्या है, पिक्चर्स दिखाई जा रही है आपको। क्या दिखाई जा रही है? पिक्चर्स। समझ के बात? तो ये होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इंप्रेशन ऑफ द इमेज रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 सेकंड ऑफ द 1/16 सेकंड। यानी 1 सेकंड का 1/16 पार्ट जो होता है उसमें रेटिना पर हमारी इमेज रहती है, और उस दौरान अगर दूसरी इमेज आई तो वो उसको उससे जोड़ देगा, अलग अलग नहीं बता पाएगा। समझ रहे हो? तो ये सिनेमेटोग्राफी में यूज होता है। तो भाई ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट परसिस्टेंस का। अब अपन बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है भैया? हमारी जो आंखें होती है उसका नॉर्मल विजन क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हमने देखा था ये हमारी आंख है, फार पॉइंट है, मतलब जहां पर फार पॉइंट क्या होता है हमारा इन्फिनिटी से लाइट रे आती है, उस लाइट रे का इमेज कहां बनता है भैया? रेटिना पर। वैसे ही कोई अगर नियर ऑब्जेक्ट है रेटिना पे बनता है, मतलब ये इतना बेंड करता है इसको, ऐसे ही कोई नियर ऑब्जेक्ट है तो उस नियर ऑब्जेक्ट का भी क्या होगा, यहां से ऐसे लाइट रे जाएगी और वापस से वो क्या हो जाएगी, इसको इस तरह से बेंड कर देगा। यानी कि चाहे ऑब्जेक्ट पास हो चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो, समझ रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट पास हो चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो, हमेशा इमेज तो कहां बनेगी, रेटिना पर। कहां बननी है? रेटिना पर इमेज बननी है। और अगर रेटिना पर ही इमेज बननी है हमेशा, तो फिर ये काम तो क्या होगा भैया, बार बार यहां पर तो क्या करेगा ये, अगर यहां पर मैं अकोमोडेशन देखूं, यहां पर अगर मैं देखूं कि कितना इसने बेंड किया, तो ये वाली को तो इसने बेंड किया इतना, यानी ज्यादा बेंड किया इस वाली को तो, ठीक है, लेकिन इस वाली को इसने किया है कम, इस वाली को क्या किया, कम किया है। यानी कि ये जो पावर है ना कम ज्यादा बेंड करने की, इसको ही तो हम अकोमोडेशन बोल रहे थे, पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि पास वाले को भी क्लियरली देख सकता है, दूर वाले को भी क्लियरली देख सकता है। तो हमारा जो क्लियर विजन होता है वो कैसा होता है श्रीमान, वो देख लेते हम। वो होता है कि अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्लियरली बिटवीन किसके बीच में, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड द इंफिनिटी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पर इंफिनिटी पर भी है तो भी साफ दिखेगा, और यहां पर ये 25 सेंटीमीटर होता है नियर पॉइंट तो भी साफ दिखेगा। यानी इस रेंज के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमारी आंखों को क्लियर दिखेगा, क्लियर कट, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन में देख लो, अब नॉर्मल तो हो गया, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी आंखों के अंदर प्रॉब्लम आती रहती है। और आजकल तो ये प्रॉब्लम, बैटरी वाली प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों में भी आ गई है, समझ रहे हो, छोटे छोटे बच्चों, मतलब उम्र बढ़ने का तो काम ही नहीं है, उम्र ही नहीं शुरू हुई उसके पहले ही आ गई ये प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है भैया, समटाइम्स ह्यूमन आई ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या पावर ऑफ अकोमोडेशन को लूज कर देती है, मैंने बताया कि वो जो बेंड करने की पावर थी ना उसको लूज कर देती है। अगर वो प्रॉपर बेंड नहीं कर पाएगी तो रेटिना पर इमेज बनेगी क्या, और अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी तो क्या आप देख सकते हो,
नहीं, यानी सारा खेला किसका है भैया, पावर ऑफ अकोमोडेशन का है। अगर आप में इतनी पावर है कि आप नियर वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है उसको इतना बेंड कर सकते हो कि इमेज बने कहां पर, रेटिना पर, और आप में इतनी पावर है कि जो फार पॉइंट यानी इंफिनिटी से भी लाइट रे आ रही है तो उसको भी वो बेंड करके रेटिना पर डाल दे, तो आप क्या हो, बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही है आपकी आंखें। अगर ऐसा नहीं है यानी कि आपकी पावर खत्म है, और पावर खत्म है तो पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म है, और फिर क्या हो जाएगी, आपकी आंखें डिफेक्टिव हो जाएगी। और दुनिया में ऐसे कुछ कॉमन टाइप के डिफेक्ट पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं, एक तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिगमेटिज्म। तो ये कुछ टाइप के डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे, कितना कितना करके, एक एक करके, ठीक है। तो एक पहले करेंगे अपन किसका, अच्छा इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये जो सारे डिफेक्ट है ना, इनका कुछ ना कुछ समाधान हमारे पास है भी सही, हमारी साइंस ने इनके समाधान ढूंढ रखे हैं। यानी कि अगर प्रॉपर टाइप के ग्लासेस, अगर चश्मा, अगर बैटरी अगर लगा दी जाए तो फिर वो ठीक हो सकते हैं। यानी कि वो चश्मा किस टाइप का होगा वो भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो भाई आ जाते हैं पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका नाम है नियर साइटेडनेस यानी कि मायोपिया। भाई नाम से ही साफ झलक रहा है, किससे, नाम से ही साफ झलक रहा है कि नियर साइटेड है। अब नियर साइटेड का मतलब होता है कि पास वाली तो साइट क्लियर है, पास वाली साइट क्लियर है तो दिक्कत किसमें है, दूर वाली साइट में। यानी नियर साइटेड का मतलब हो गया कि दूर वाली साइट में दिक्कत है, पास वाली में नहीं है। यानी पास वाली साइट तो बिल्कुल क्लियर है। कैसे, अगर ऑब्जेक्ट आपका पास रखा है तो यहां पर लाइट रेज ऐसे जाती है, और ऐसी वाली लाइट रेज को क्या करता है, वो रेटिना पर बेंड कर देता है। यानी कि इसके बेंड करने का जो पावर है, इसका बेंड करने का जो पावर है श्रीमान, वो है बहुत तेज। यानी कि ये इतना बेंड कर पाता है इसको, यानी ये ज्यादा बेंड करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि पास वाले को प्रॉपरली बेंड कर रहा है। ये जो पावर है इसकी कम बेंड करने वाली वो खत्म हुई है, ज्यादा बेंड करने वाली नहीं खत्म हुई है। अब देख लो, अगर फार ऑब्जेक्ट है तो ऐसे आएगी लाइट रेज, अब इसने तो काम ही कर रखा है ज्यादा बेंड करने का, यानी कि ये तो अपनी ज्यादा पावर दिखाता है, ज्यादा बेंड करने का काम कर रखा है। यानी कि पहले इसकी यहां पर इमेज बनती, अगर ये कम बेंड होती तो, अब ये ज्यादा बेंड होती है तो इसको ज्यादा बेंड कर दिया और यहां पर बना दी। ये है फंडा इसका, और ये जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनी। इसका मतलब हो गया ये फार ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको ये क्लियरली नहीं देख पाएगा। अब मतलब समस्या कहां पर है, मैंने बताया कि वो पास वाले को तो बिल्कुल देख पा रहा है, रेटिना पर इमेज बना रहा है वो, और दूर वाले की इमेज वो पहले ही बना दे रहा है, क्योंकि उसके पास जो पावर है वो जो कर पाता है वो क्या करता है, वो ज्यादा बेंड करने का काम करता है। तो यहां पर भी उसने ज्यादा बेंड कर दिया, यहां पर भी उसने जितना करना था उससे ज्यादा बेंड कर दिया, और अब ज्यादा बेंड कर दिया तो भैया ये तो नुकसान हो गया, क्योंकि इमेज कहां पर बन गई, रेटिना के पहले। रेटिना के पहले इमेज बन गई तो हमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो रेटिना पे जिसकी इमेज बनती है उसी को देखते हैं। तो चलो क्या समाधान इसका कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे कि ये प्रॉब्लम किसकी है, फार ऑब्जेक्ट्स की। मतलब नियर साइटेड का मतलब है कि पास वाली तो क्लियर है और दूर वाली क्लियर नहीं है, क्योंकि दूर वाली की इमेज वो पहले ही बना दे रहा है रेटिना की, ठीक है। तो अब इसको कैसे अपन समझते हैं, पहली बात तो इस डिफेक्ट के बारे में जान लो कि इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पास वाले ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखेंगे और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाएगा वो, ठीक है। अब इधर द आई बॉल बिकम्स टू लॉन्गर, अब इसका मतलब क्या है, या तो हमारा जो आई बॉल है, आई बॉल मतलब ये वाला पार्ट, ये या तो ज्यादा लंबा हो गया होगा और इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई होगी, शॉर्ट हो गई होगी, शॉर्ट मतलब छोटी कम हो गई होगी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कम हो जाती है। भाई फोकल लेंथ कम होने का मतलब है, अगर मैं ऐसे लेंस की बात करूं, ऐसा ही लेंस है ना आंख के अंदर, अगर इसकी यहां पर ये कन्वर्ज करता है, यानी दूर कन्वर्ज करता है तो इसकी फोकल लेंथ यहां पर है, अगर ये पास ही कन्वर्ज कर दे रहा है तो फोकल लेंथ कम हो रही है, यानी कि ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया, और ये ज्यादा कन्वर्जिंग ही हो रहा है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ कम हो गई है, समझ रहे हो। इस चीज को आप वो लेंस जो हमने पढ़ा था लाइट में उससे रिलेट करो, तब जाके मजा आएगा। तो ये वाला सिस्टम है, अब इसको किससे ठीक कर सकते हैं अपन, इट कैन बी करेक्टेड बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को अगर मैं यूज करूं तो इसको करेक्ट किया जा सकता है।
तो आप बोलोगे कि सर आपको उनके एविडेंस है, कैसे करेक्ट करो, हमको जरा बताओ तो सही। मैंने बोला भैया आपका हुक्म सर आंखों पे, आपने कहा बताओ तो मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये आपकी आंख है, प्रॉब्लम किसमें है भैया? फार ऑब्जेक्ट में, जो दूर से लाइट रे आती है उसको वो पहले ही बेंड कर देता है, यही तो है ना प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, यानी कि ये पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भैया पैरेलल आ रही है लाइट रे, जिसको तुम पहले ही कन्वर्ज कर देते हो, तो तुम्हारा एक इलाज है हमारे पास, हम उनको डाइवर्ज करके देंगे। पैरेलल क्यों दें, हम तो डाइवर्ज करके देंगे। तो डाइवर्ज करने वाला तो एकमात्र हमारे पास लेंस है, जिसको बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। ये क्या करेगा, इसको थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करके देगा तो फिर वो जो यहां पर इमेज बन रही थी ना, वो कहां बनेगी, रेटिना पर। अरे बाप रे, रेटिना पर इमेज बन गई, अब तो मैं देख सकता हूं, यानी कि अब ये जो फार ऑब्जेक्ट था इसको वो क्लियरली देख सकता है, क्योंकि इमेज कहां पर बनी है, रेटिना पर। पर ये खेला बहुत निराला है, तो इस निराले खेला को एक बार अलग तरीके से समझते हैं। भाई इसने क्या किया, आंख को क्या लगेगा, आंख को पहले जैसा ही काम कर रही है, आंख के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, चेंज तो आया बाहर, बाहर आया ना, अंदर तो कोई चेंज नहीं आया ना। तो आंख क्या करेगी, वो बोलेगी कि हमको जो पहले लाइट आ रही थी वो तो सीधी लग रही थी, अब लग रही है हमको ऐसे वाली, ऐसे लग रही है ना आंख को लाइट, तो ये ऐसे लग रही है, तो आंख की एक समस्या है, जिस समस्या की अपन बचपन से बात करते आए हैं, बचपन से मतलब बच्चे थे तब से नहीं, जब से हमने क्लास स्टार्ट करी तब से बात करते आए हैं कि ये आंख की एक समस्या है, कि ऐसी कोई जब लाइट रे आती है, मैं अगर बताऊं ऐसे जब लाइट रे आती है तो वो लाइट रे उसको कहीं ना कहीं से तो आती हुई नजर आती है, और वो कहीं से नजर आती है तो वो कहां से आ रही है, यहां से। मतलब इसने बोला था कि भैया मैं जो हूं, मैं क्या करता हूं, अनंत यानी इन्फिनिटी का नहीं देख पाता, मेरी जो आंख की एक लिमिट है वो लिमिट यहां पर सेट कर रखी है मैंने, मैं यहां तक देख सकता हूं, मतलब मैं दूर का इतना नहीं देख पाता इन्फिनिटी वाला, मैं यहां तक दूरी का देख सकता हूं। भाई मेरी अब फार जो मेरी दूर देखने की जो पावर थी वो कम हो गई है, यानी कि मैं थोड़ा कम दूर का देख पाता हूं, ज्यादा दूर का नहीं देख पाता। तो भाई तुम कम दूर का देख पाते हो ना, तो हम क्या करेंगे, हम वहीं पे इमेज बना देंगे, मतलब ये यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज यहां पर बन जाएगी जहां तक हम देख सकते हैं। तो ये आंख उस इमेज को तो देख सकती है, कि हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, उसका इमेज तो देख सकते हैं, तुम बना के तो देखो इमेज। तो इस लेंस ने क्या किया, सिर्फ उसका इमेज यहां पर बना दिया, और उस इमेज को फिर इस आंख ने देख लिया, ये काम किया। और यहां पर जो मेन प्रोसीजर है कि वो लाइट रेज बेंड करके यहां पर इमेज बना रही है, वो भी क्लियर है, लेकिन ये अगर देखें कॉन्सेप्चुअली ये वाला काम ये करता है। ठीक है, अब बनाते हैं भैया अगले सिनारियो पे। सिनारियो मतलब बहुत तगड़ा है, सिनारियो है हमारा कि यहां पर फार साइटेड हमने पढ़ना है, जैसे हमने पढ़ा था कि नियर साइटेड, नियर साइटेड में नियर वाला तो क्लियर था, फार वाला प्रॉब्लम था। अब ये श्रीमान थोड़े उल्टे हैं, इनका प्रॉब्लम फार में नहीं है, इनका नियर में प्रॉब्लम है। तो फार साइटेड का मतलब है कि दूर वाला तो अच्छा है, मतलब दूर में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसे जाएगा और ऐसे बेंड कर देगा, और यानी कि कम बेंड कर पाता है। यहां पर आपको देखने से लग रहा होगा कि बेंड क्या कर पाता है, कम कर पाता है, कम बेंड हो रहा है। तो जो पास वाले ऑब्जेक्ट होंगे उसमें तो ज्यादा बेंड करने की जरूरत रहती है, तो उसको ये ज्यादा बेंड नहीं कर पाएगा। अगर ये ज्यादा बेंड नहीं कर पाया, यानी कि इसने इसको भी कम बेंड किया, कम बेंड किया, तो इसकी इमेज बनेगी यहां पर, जो कि रेटिना के पीछे है। अब रेटिना के पीछे बना तो किसने देखा भाई, रेटिना पे जो बनेगी वही देखेंगे हम, तो ना तो आगे का दिखता है ना पीछे का दिखता है, हमारी तो बिल्कुल बड़ी समस्या है। तो भैया अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रेटिना पे बनाना पड़ेगा। अब एक और प्रॉब्लम होगी भाई, रेटिना पे बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। मतलब इसके बारे में हमने बोला कि यहां पर जो समस्या है वो है पास वाले ऑब्जेक्ट में, यानी पास वाला क्लियरली नहीं दिखता क्योंकि उसकी इमेज रेटिना के पीछे बनती है। पहले दूर वाले की इमेज रेटिना के पहले बनती थी, अब पास वाले की इमेज रेटिना के पीछे बनती है। क्लियर है, यहां पर वही चीज लिखी हुई है भैया, सेम जो मैंने बताया ना आपको, वही लिखा हुआ होता है यहां पर। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाता, यही समस्या यहां पर लिखी हुई है। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, या तो पहले क्या होता, आई बॉल शॉर्ट हो गया था, फोकल लेंथ कम हो गई थी,
सॉरी आई बोल लॉन्ग हो गया था, फोकल लेंथ कम हो गई थी, अभी यहां पर आई बोल शॉर्ट हो गया और फोकल लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है, बिकम्स टू लार्ज फोकल लेंथ अगर ज्यादा हो गई है तो इस वजह से ये वाला सिस्टम है भाई। फोकल लेंथ कम होती तो पहले मर्ज वो कर देता, कन्वर्ज कर देता, फोकल लेंथ बढ़ गई ना तभी तो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो ये ऐसा सीन हुआ। अब इसको किससे करेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। समस्या बताओ सर, समस्या है श्रीमान कि हम नियर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज हम रेटिना पर नहीं बना पाते, कहां बनाते हैं, पीछे, और हमको बनानी है पहले। अब पहले बनाने के लिए तो थोड़ा कन्वर्ज टाइप का कार्यक्रम करना पड़ेगा। अब कन्वर्ज टाइप का कार्यक्रम तो हमारे पास एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, तो भैया ले आओ, तो हमने बोला ले आए। अब ये लाइट रेज आ रही थी, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी कन्वर्ज कर दी, कितनी, थोड़ी सी भैया, ऐसा नहीं कि यहीं पे मिला देगा, कन्वर्ज कर दी थोड़ी सी, थोड़ी सी कन्वर्ज कर दी, तो भैया अब इसकी इमेज बन गई रेटिना पर, पहले यहां पर बन रही थी पीछे, अभी बन गई रेटिना पर। अब रेटिना पर बनते हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे, हमको तो वही चाहिए, रेटिना पर अगर इमेज बन रही है तो हम देख पा रहे हैं, अगर नहीं बन रही है तो नहीं देख पा रहे, सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा जवाब है, ठीक है। तो रेटिना पर बन गई इमेज, अब रेटिना पर इमेज बन गई तो देख पा रहे हैं, लेकिन ये हुआ कैसे, मतलब यहां पर समस्या थी कि पास वाला नहीं देख पाता, मतलब पहले जब मैं 25 सेंटीमीटर का भी देख पाता था, अब तो मैं 25 का नहीं देख पाता, मुझे सीधे 35 वाला दिखता है, और 35 से कम अगर मेरे पास आ जाएगा, 35 से अगर थोड़ा सा पास आ जाएगा तो मुझे साफ नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मेरे को, बिल्कुल नहीं दिख रहा, इस बिल्कुल वाले को देखना है। अब इसमें फंडा क्या हुआ कि ये ऐसे दिख गया भाई, ऐसे अपन ने रे बनाई, बिल्कुल रेटिना पर इमेज बन गई, बिल्कुल क्लियर, लेकिन ये फंडा क्या हुआ वो बताता हूं मैं। इसने बोला कि तुम यहां का नहीं देख पाते ना, देख तो यहां का नहीं पाते, इधर का तो देख पाते हो, तो इधर ही मैं इमेज बना देता हूं, यानी कि जो जिस यहां से बेंड करी थी, मैंने बताया कि लाइट रेज जो आती है आंख के पास, आंख की हमेशा समस्या है, उसको लगता है कि किसी न किसी पॉइंट से आ रही है, तो वो जिस पॉइंट से आ रही है वो उस पॉइंट पे जाएगा, तो इस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी, और ये पॉइंट कहां होगा, जहां से आप देख पाते हो, मतलब यहां का तो आप नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आपकी आंखें थोड़ी खराब हो गई, यहां का तो देख पाते हो, तो यहां पर वो इमेज बन जाती है। इस प्रकार यहां का ऑब्जेक्ट उसको यहां नजर शिफ्ट हो जाता है और यहां से वो उसकी इमेज देख लेता है, मतलब फाइनली देखना है, आप कहीं से भी दिखाओ, यहां के ऑब्जेक्ट को यहां से दिखाओगे तो देख लेगा, क्योंकि यहां तक तो वो देख ही सकता है, बस ये फंडा हो रहा है। और इस प्रकार ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये काम कर जाता है किस में, हाइपरमेट्रोपिया में, फार साइटेडनेस में। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया कुछ नहीं है भैया, ये फोकल लोकल सारा को सिस्टम भूल जाओ, ये तो होता है भैया बुढ़ापे की वजह से। अब बुढ़ापे की वजह से क्या होता है कि ये जो पास के ऑब्जेक्ट है इसका फिर से इमेज पीछे बन जाएगा। अब ये क्यों होता है, ये जो सीलेरी मसल्स है, ये सीलेरी मसल्स ही है जो इसको एडजस्ट करने का काम करती है। अब ये एडजस्ट तभी करेगी ना जब ये फ्लेक्सिबल रहेगी, तभी तो अपना साइज चेंज कर पाएगी, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है खत्म जैसे आयु बढ़ती है, यानी उम्र बढ़ती है किसी आदमी की, एज बढ़ती है, एज बढ़ते बढ़ते क्या होता है ये रिजिड हो जाती है, यानी कि थोड़ी टाइट हो जाती है, कड़क हो जाती है, मतलब अब इनके वो कैपेसिटी जो है ना अपने आप को चेंज करने की वो थोड़ी खत्म हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, तो ये पास वाले को तो उधर बना देगी और दूर वाले का भी ये पहले बना देगी, यानी पास वाले का तो इधर इमेज बना दी, दूर वाले का यहां बना दी, पर रेटिना पर नहीं बना रहा तो भी गड़बड़ है। तो ऐसे के लिए हम बाइफोकल लेंथ यूज, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। और प्रेस बायोपिया जनरली क्या होता है, पास वाले को नहीं दिख रहा, दूर वाला भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग, एजिंग मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही डिक्रीज हो रही है, और इस डिक्रीज होने की वजह से नियर पॉइंट जो होता है वो जनरली रिसीड कर जाता है, रिसीड मतलब थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, जो नॉर्मली 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए था वो 25 ना होके 35-40 हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, और ऐसे फिर वो कंफर्टेबली नहीं देख पाता, और जैसे ही कंफर्टेबली नहीं देख पाता तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ इलाज करना बनता है, और वो इलाज होता है बाइफोकल लेंथ वाला, बाइफोकल लेंस यहां पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ फंडा आपको क्लियर है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट था नियर साइटेड और फार साइटेड, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बताते हैं एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म भी भैया कुछ नहीं होता, ये जो अपने आगे कॉर्निया होता है, ये जो कॉर्निया होता है अपने आगे, इस कॉर्निया के शेप में इरेगुलरिटी आ जाती है, मतलब शेप जो पहले राउंड होना था, कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर होती है आंख की,
अगर जिसको नहीं पता वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसमें जाएंगे, वहां से हमारी पूरी सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर ह्यूमन आएगा, फर्स्ट चैप्टर देख लेगा जिसमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है कॉर्निया होता है। अब ये जो कॉर्निया श्रीमान है इनके शेप में रेगुलरिटी आ गई है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो कॉर्निया से होता है, लेंस से तो बाद में होता है। तो कॉर्निया से रिफ्रैक्शन होगा, अब उसका शेप इररेगुलर हो गया तो इररेगुलर रिफ्रैक्शन होंगे, हो गया ना इररेगुलर रिफ्रैक्शन। उस इररेगुलर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेजेस बहुत सारी बन जाएंगी। अब एक से अधिक इमेजेस बनेगी तो आदमी समझ कैसे पाएगा? एक से अधिक अगर एक के बाद एक, एक से अधिक इमेजेस बन रही है तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लर विजन हो जाएगा, यानी कि अब उसको साफ नहीं दिखेगा, ब्लर ब्लर दिखेगा, एक के ऊपर एक इमेज ओवरलैप कर रही है ऐसा कुछ दिखेगा। तो इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली सी बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट जो होते हैं ना उस ऑब्जेक्ट के, उनको क्लियर नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इमेजेस बनती हैं यहां पर। और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द इररेगुलर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होता है उसके इररेगुलरिटी की वजह से होता है। और इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। जैसे वहां पर कौन से लेंस यूज कर रहे थे? नियर साइटेड में कॉनकेव किया, फार साइटेड में कॉन्वेक्स किया, और प्रेस बायोपिया में ड्वेल जो बोथ बाई कॉन्वेक्स लेंस सॉरी बाई फोकल लेंस किया हमने, और एस्टिगमेटिज्म में कौन सा लेंस करेंगे? सिलेंड्रिकल लेंस। और इस लेंस से इसको क्या कर सकते हैं? अपन खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया भैया हमारे सारे डिफेक्ट्स के बारे में। अब आती है आपकी परीक्षा की बारी, आपने क्या पढ़ा उसको टेस्ट करना है। तो पहला हमारा सवाल है आपके लिए कि पर्सन विद मायोपिक आईज कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहां पर मायोपिक आई लिखा है। कौन सी आई? मायोपिक आई। ठीक है, तो मायोपिक का मतलब क्या होता है? मायोपिक मतलब नियर साइटेड, नियर साइटेड मतलब पास का तो बिल्कुल अच्छा दिखता होगा इसको, यही होता है। पास का अच्छा दिखता होगा ना, दूर का नहीं दिखता होगा। तो दूर जो इंफिनिटी पर देखना था, दूर जो इंफिनिटी पर देखना था वो अब ये कहां पर देख रहा है? 2.5 मीटर पर देख रहा है। तो ऐसे के लिए मायोपिक आई के लिए कौन सा लेंस का करेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस का, वो यहां पर पूछा है कि विच टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस इज यूज्ड टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन। किस टाइप का करना पड़ेगा बताओ भैया, ये आंसर करना है आपको कमेंट में। बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करूंगा कि अगर आपने कमेंट में आंसर नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और मुझे अच्छा नहीं लगे ऐसा काम मत करना यार, मैं आपका दिल रखता हूं, आप भी मेरा दिल रख लिया करो। ठीक है, तो अभी इसका आंसर जरूर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ दी ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। जब नॉर्मल विजन होता है तो फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट होता है श्रीमान हमारा। अब इसका आंसर पहले आप कमेंट बॉक्स में, पहले तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और फिर वीडियो को चालू करेंगे ताकि अपने आंसर को वैलिडेट कर लो। और उसका तो करना ही है, इन्फिनिटी होता है। और नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट होता है तो वीडियो पॉज करो भैया, आंसर करो, फिर चेक करना। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, जिसपे वो डिस्टिंक्टली देख सकता है। समझ रहे हो? यानी कि उसकी रेंज होती है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, इसके बीच वो क्लियर विजन रखता है। कौन? नॉर्मल विजन वाला आदमी। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर, शानदार और सिंपल है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, जैसे आप स्टूडेंट हो, वो क्या करता है, उसको डिफिकल्टी लगती है भैया, डिफिकल्टी लगती है रीडिंग में। क्या रीडिंग में? ब्लैक बोर्ड पर रीडिंग में डिफिकल्टी लगती है। जो कि बैठा है कब, कहां पर बैठा है? वो लास्ट रो में, मतलब ये जो हमारी क्लास है ना उसके लास्ट रो में एक आदमी बैठा है, बच्चा बैठा है, स्टूडेंट बैठा है, उसको ये बोर्ड नहीं दिख रहा साफ। तो भैया बताओ उसको कौन सी समस्या होगी? भाई पास का तो, पास का होता तो भाई 25 सेंटीमीटर से मैं 30, 35, 40, 50 सेंटीमीटर तक की बात करता, लेकिन अब बात है बड़ी दूरी की। कितना दूर है? लास्ट में रखा है भैया बोर्ड, मैं यहां पर रखा हूं तो कुछ 2-5-10 मीटर की बात होगी, होगी ना। तो अब इतनी 2-5-10 मीटर की दूरी पर वो अगर क्लियर नहीं देख पाता, यानी कि उसकी दूर दृष्टि खराब है। कौन सी दृष्टि? दूर दृष्टि, यानी उसका फार जो सिस्टम है, जो दूर से देखने का सिस्टम है, दैट इज खराब। और ऐसा जब खराब होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन?
नियर साइटेड यानी मायोपिक, क्योंकि पास का सही होना और दूर का खराब होने को बोलते हैं हम मायोपिक आईज, नियर साइटेड। क्लियर है? तो ये होता है मायोपिया। और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हमको बताना है आपको आंसर में, करेक्ट कैसे करना है वो तो आपको आंसर में ही बताना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन, इतना बहुत कुछ अपने लिए हो गया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ गए। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो चीज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना इनके आंसर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, और इसरल तो आपके साथ बना ही है, आप भी इसरल के साथ बने रहिए। बहुत सारी चीजें आपको इसरल पे मिलती है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं एनिमेटेड, प्रैक्टिस के लिए सीट्स मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, टाइम टेबल मिलता है, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप, और मतलब दुनिया भर की जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको 99% अचीव करा सकती है, सारा कुछ आपको मिलेगा। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, फोर लेयर डाउट सॉल्विंग, भैया ऐसे फीचर तो कहीं नहीं मिलने वाले आपको, और बिल्कुल खतरनाक विजुलाइजेशन के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं इसरल ऐप पर। तो आप जाइए और इसरल ऐप को एक्सप्लोर कीजिए, लिंक तो हमारे डिस्क्रिप्शन में है ही। ये हमारे प्रैक्टिस शीट्स हैं जिनपे आप देखोगे बहुत एकदम खतरनाक तरीके से इसको डिजाइन करा हुआ है कि आप देख के मतलब चौंक जाओगे कि भाई ऐसा स्टडी मटेरियल तो हमने जिंदगी में कहीं देखा ही नहीं, ठीक है। होमवर्क इंडेक्स सबसे बेस्ट फीचर है हमारे इसका, होमवर्क इंडेक्स, जो भी टॉपिक आपने कर लिया उस पर क्वेश्चंस कहां कहां मिलेंगे वो सब है, और माइंड मैप्स तो आपको मिल ही रहे हैं। माइंड मैप्स आप देखो, डाउनलोड करो, दीवार के चिपका और बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा, आपने जितना चैप्टर पढ़ा है ना उस चैप्टर का सारा रिवाइज हो जाएगा माइंड मैप्स है। तो भैया ऐसा आप बने रहिए इसरल के साथ, सब कुछ मिलेगा आपको। इसरल ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, जाइए मतलब इसरल ज्वाइन कर लीजिए भैया, आज से ही इसरल ज्वाइन कर लो। और सबसे पहली स्टेप है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको 99% लाना है, और 99% तभी सरल है जब आपके साथ इसरल है, यानी इसरल है तो सब सरल है। तो आज से भैया इसरल का नाम जपो, और इसरल है तो सब सरल है, 99% लाना है, बने रहो इसरल के साथ। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी भैया, तो लाइक तो सब लोग करना, उसके साथ सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो को इतना शेयर करना आग की तरफ फैला देना, तभी मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।